नमस्कार मित्रों मित्रों आज ना आ वीडियो में आप बात करीशुं मातृऋण में मुक्ति अपावनारू एक स्थल सिद्धपुर तीर्थनु महत्व अने तेना इतिहास विषेनी। मित्रों कैलास मानसरोवर, नारायण सरोवर, पुष्कर सरोवर, पंपा सरोवर सिवाय पांचमू बिंदु सरोवर अमदावादथी 130 किलोमीटर उत्तर में अवस्थित ऐतिहासिक सिद्धपुर में आवेलू छे। आ स्थलनु वर्णन ऋग्वेदनी ऋचाओमां पण जोवा मळे छे, जेमां एने सरस्वती अने गंगाना मध्य अवस्थित बतावामां आव्या छे। मित्रों संभावना छे के सरस्वती अने गंगानी अन्य नानी धाराओ पश्चिम तरफ निकळशे। आ सरोवरनो उल्लेख रामायण अने महाभारतमां पण जोवा मळे छे। मित्रों आनुं प्राचीन नाम श्रीस्थळ छे। आ क्षेत्र प्राचीन काम्यवनमां पड़े छे। महर्षि कर्दमनो आश्रम आ क्षेत्र में आवेलो हतो। अहीं भगवान कपिलनो अवतार पण थयो हतो। मित्रों बिंदु सरोवर पांच पवित्र सरोवरमांनुं एक सरोवर छे, जे कपिलजीना पिता कर्मद ऋषिनो आश्रम हतो। अने आ स्थान पर कर्मद ऋषिए लगभग 10,000 वर्ष सुधी तप कर्यो हतो। कपिलजीनो आश्रम सरस्वती नदीना तट पर बिंदु सरोवर पर ज स्थित हतो, जे आजे पण तीर्थस्थान गणाय छे। मित्रों कपिल मुनि सांख्य दर्शनना प्रणेता अने भगवान विष्णुना अवतार छे। बिंदु सरोवर जता समये मार्ग में गोविंदजी अने माधवजीना मंदिर आवे छे। बिंदु सरोवरथी लगभग 40 फूट चकोर एक कुंड छे, एनी चारे बाजू पाक्का घाट आवेला छे। यात्रीओ बिंदु सरोवरमां स्नान करी अने मातृ श्राद्ध करता होय छे। मित्रों कहेवामां आवे छे के अहीं कोई कल्पमां देवता અને અસુરોએ સમુદ્ર મંથન કર્યું હતું અને અહીં લક્ષ્મીજીનો પ્રાદુર્ભાવ પણ થયો હતો। ભગવાન નારાયણજી લક્ષ્મીજીની સાથે અહીં સ્થિત થયા, જેના કારણે આ સ્થળને શ્રીસ્થળના નામે પણ ઓળખવામાં આવે છે। સરસ્વતી નદીના તટ પર જ પ્રથમ સતયુગમાં મહર્ષિ કર્દમનો આશ્રમ હતો। કર્દમજીએ દીર્ઘકાળ સુધી અહીં તપસ્યા કરી હતી। એ તપસ્યાથી પ્રસન્ન થઈ અને ભગવાન નારાયણ પ્રગટ થયા હતા। महर्षि कर्दम पर अत्यंत कृपा ने कारण भगवान नेत्रों में आंसूना अमुक बिंदु पड़िया, जेना कारण आ बिंदु स्थल तीर्थ बनी गयु। स्वयंभू मनुए आ आश्रम में आवी अने पोतानी कन्या देवहूति ने महर्षि कर्दम ने अर्पण करी थी। आ देवहूति थी भगवान कपिलनो अवतार थयो हतो। भगवान कपिले अहीं माता देवहूति ज्ञानोपदेश आप्यो हतो। कहेवामां आवे छे के ब्रह्मानी अल्पा नामनी एक पुत्री माता देवहूतिनी सेवा करती थी। तेणे पण माताने साथे भगवान कपिलनो ज्ञान उपदेश सांभळ्यो हतो, जेना कारणे तेनुं शरीर पण द्रवित थई अने अल्प सरोवर बनी गयुं। अहीं बिंदु सरोवर अने अल्प सरोवरमां स्नान करवाथी पापमांथी मुक्ति मेळवी शकाय छे। मित्रों सिद्धपुर तीर्थनुं एक मुख्य आकर्षण सरस्वती नदी छे। यात्रीओ पहला तो सरस्वती नदी में स्नान करे छे। सरस्वती नदी समुद्र में नहीं मळती, परंतु कच्छनी मरुभूमि में ते लुप्त थाय छे, एटला माटे ज तेने कुमारिका मानवामां आवे छे। मित्रों नदीना किनारा पर पाक्का घाटो बनावेला छे, साथे सरस्वतीजीनुं मंदिर पण आवेलुं छे। परंतु सरस्वतीजीना मंदिर में थोड़ू जल रहे छे, घाटथी धारा थोड़ी दूर रहे छे। सरस्वतीना किनारा पर एक पीपळनुं वृक्ष छे। નદીના કિનારા પર બ્રહ્માંડેશ્વર શિવ મંદિર પણ આવેલું છે। યાત્રીઓ અહીં માતૃ શ્રાદ્ધ કરે છે અને માતૃઋણમાંથી મુક્તિ મેળવે છે। તો મિત્રો આ હતું માતૃઋણમાંથી મુક્તિ અપાવનાર સિદ્ધપુર તીર્થનું મહત્વ અને તેનો ઇતિહાસ। મિત્રો આવાને આવા નવા નવા વિડીયો જોવા માટે હમણાં જ અમારી આ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, તેમજ વિડીયોને લાઇક અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। આભાર મિત્રો, જય ભારત।